तुम्हें पता है 1952 में सरकार ने इसी वेकल फोर्ट को स्पेशल टूरिज्म एरिया घोषित किया था। हाँ, सही सही। मेरा बेबी गुम हो गया। अरे कोई मेरे बच्चे को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैडम क्या हो गया? अयो मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा टॉम 3 साल का भी नहीं है, कौन ले गया उसे, समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज रोइए मत, मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। पतलू चलो। लेकिन वो दिखता कैसा है? गोल्डन कलर का है। गोल्डन कलर? अच्छा ठीक है ठीक है। गोल्डन कलर कपड़े वाले बच्चे को ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि हम बच्चा को नहीं ढूंढ रहा है, हम जिसको ढूंढने जा रहे हैं उसे ढूंढने के बाद वो हमारा बैंड बजाएगा। मेरी बेबी यार, ऐसा नहीं बोलते घसीटे, देखा नहीं उसकी मम्मी कितना रो रही थी। अयो लेकिन घसीट आराम तो बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, मेरा दिल भी यही कह रहा है कि मुसीबतों का सिलसिला शुरू होगा। अम्मा वो देखो वहाँ, उस बच्चे ने भी गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उम्र भी करीबन 3 साल की ही है। वो आदमी उसे पकड़कर ले जा रहा है। अरे शर्म नहीं आती, छोटे से बच्चे को किडनैप करते हो। ये लो आपका टॉम। अयो ये कौन है? ये मेरा टॉम नहीं। अयो टॉम बेबी तुम किधर हो? अगर ये टॉम नहीं है तो फिर कौन है? इसने भी तो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, शायद दूसरा कोई होगा, गलती हो गई रे। यही था वो, बच्चे को किडनैप करते हुए शर्म नहीं आती? अरे बच्चे को मैंने नहीं बल्कि तुमने किडनैप किया था। ये बच्चा रो रहा था, इसे उठा के ले जा रहे थे। हाँ वो रो इसलिए रहा था क्योंकि वो आइसक्रीम खाने के लिए मचल रहा था। ये इस बच्चे के पिताजी हैं और मैं इस बच्चे के लिए आइसक्रीम लेने गई थी। तुम लोग क्या अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो? तुम्हारी पूरी गैंग है बच्चे किडनैप करने की। पीटो इनको। इनको छोड़ना नहीं। मारो मारो। लेकिन मैंने बच्चे की मम्मी को वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को ढूंढ कर ही दम लूंगा। चलो अरे मुझे सुनो तो। अरे ये कैसे उड़े? आप तुम साफ ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं कहूंगा एक्शन, ये रोबोट बच्चा है ना, ये यहाँ से चल के जाएगा और कुछ गुंडा इसका पीछे भागेगा। जैसे ये रोबोट बच्चा गेट क्रॉस करके जा रहा है ना, तुम लोग दो दो करके उसको ब्लास्ट करने का, कुछ गलती नहीं होना चाहिए ना बाबा, क्योंकि ये गेट्स बनाने में 50 लाख रुपया लगा है और फिर 1 हफ्ता और लग जाएगा फिर से बनाने में, समझ गया क्या? ओके ओके सर ओके। हाँ हाँ चलो चलो। वो देखो हो रहा बच्चा, वो बहुत खतरे में है, जल्दी चलो। ये कोट कोट ये क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? अभी बताते हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया, पकड़ो उसे, वो मेरा रोबोट लेके चला गया।
अयो टॉम, मेरा बेबी। हाँ, ये लीजिए आपका टॉम। लीजिए। अयो, मुझे मेरा टॉम चाहिए, ना कि कोई टॉय। अरे ये तो नकली बच्चा लगता है। अयो, मेरा टॉम मेरा डॉगी है, डॉगी 2-3 साल का। उड़ी बाबा, डॉगी हाल। मैडम आप जाइए, अपने डॉगी को ढूंढिए। हाँ ठीक है, मैं जा रही मेरे टॉम को ढूंढने। ये कौन है? आप लोगों का हो गया हो तो अब हबरा बोरी है। 50 लाख का सेट का नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से 50 लाख रुपया अपने मोबाइल से हमारा अकाउंट में ट्रांसफर करो। अकाउंट नंबर कमीशन लीगल नहीं चल रहा है। अयो, मेरे टॉम को बचाओ, मेरे टॉम को बचाओ। अयो, मेरे टॉम, मेरे टॉम को बचाओ। एनाकोंडा ने उसे लपेट लिया। एनाकोंडा कहाँ है? एनाकोंडा उधर उस जाड़ी के पीछे। चलो। अरे छोड़ो इसे, इसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है और तुम यहाँ इससे लिपट के बैठे हो। मैं देख लूंगा। अरे देख क्या हुआ है, जल्दी से सीन को शूट करो बाबा। तुमने मेरा शिकार छीना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे टॉम, बहुत हुआ। अरे एनाकोंडा भैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज आप मुझे खा लो, मुझे खा लो। मैंने आपका लंच छीना है, मुझे खा के अपना पेट भर लो। आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मुझे खा लो। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो दूसरों की भलाई में ही लगा रहता है। आप मुझे खा लो। ओ नहीं नहीं, वो हमें खा लो। नहीं नहीं, हम बोलता है हमको खा लो। उड़ी बाबा, उन्हें छोड़ के हमें खा लो। जैसे अच्छे लोगों को कैसे खा सकता हूँ? जाओ, तुम सबको छोड़ दिया, मैं अपना लंच फिर तलाश कर लूंगा। डायरेक्टर साहब, क्या आप एनाकोंडा को खाना खिला सकते हैं? उसे भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम इसको पेट भर के खाना खिलाएगा। अयो मोटू पतलू जी, आप जैसे लोग मुश्किलें से मिलते हैं। थैंक यू फॉर सेविंग मी। थैंक यू मोटू, मेरा समोसा।